कहे शास्त्र नाम जी होना पड़ेगा रवाना, नाम ध्याना भूल न जाना, मन से जन्म का लाभ उठाना, नाम ध्याना भूल न जाना, मन से जन्म का धन सतगुरु तेरा धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। डॉक्टर दीक्षीर इंसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाल प्रेमी सुखजिंद्र इंसा शास्त्र नगर से भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। और सत्संग से निवेदन है कि हर महीने के आखिरी सत्संग वाले शनिवार को सुबह की मजलिस के बाद यहां पर शादी का रूबरू कार्यक्रम होता है, जिसमें विवाह योग्य लड़के व लड़कियों के परिवार आते हैं और आपस में बातचीत करके रिश्ते तय हो जाते हैं। इस कार्यक्रम में अमीर गरीब मध्यम वर्ग सभी तरह के परिवार आते हैं। सत्संगियों के बच्चे सुखी रहें, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, इसलिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है कि जिनके विवाह योग्य बेटा या बेटी हैं, तो आप इस शादी के रूबरू कार्यक्रम में जरूर आया करें जी, ताकि सत्संगी को सत्संगी का परिवार मिल सके। धनन सतगुरु तेरा ही आश्रम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मानस जन्म मिले आ मिले रब दे मिलने दी वारी, पूंजी बड़ी कीमती है सौदे कूड़े चले गई जंदा सारी, प्रेमी विजय जी इंसान भजन बोलने के लिए आ जाएं जी। जब इस सत्संग पंडाल से बाहर हैं, आपसे प्रार्थना है कृपया जल्दी से आप मजलिस पंडाल में आकर बैठें, और जो बहन या भाई यहां खड़े हैं कृपया सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। पूजनीय गुरु जी स्टेज पर पधारे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी विजय जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाले प्रेमी देशराज जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। ऐसा
प्यार दिया मेरे सतगुरु, दर्श बिन रह ना पाऊं पाऊं जी, दर्श बिन रह ना पाऊं। ऐसा प्यार दिया मेरे सतगुरु, दर्श बिन रह ना पाऊं पाऊं जी, दर्श बिन रह ना पाऊं। तेरे की आस लगाऊं, दर्श तेरे की आस लगाऊं, तड़पूं मैं तो चैन न पाऊं, आस बंधा दो प्यास बुझा दो, आस बंधा दो प्यास बुझा दो, तेरे बिन मैं चैन न पाऊं। ऐसा प्यार दिया मेरे मुर्शिद, दर्श बिन रहे न पाऊं जी, दर्श बिन रहे न दुश्मन से ना मैं घबराऊं, मन दुश्मन से ना मैं घबराऊं, नाम ध्याऊं सेवा कमाऊं, गुण तेरे सतगुर सदा ही मैं गाऊं, गुण तेरे सतगुर सदा ही मैं गाऊं, बस ऐसी प्रीत बना दे, ऐसा प्यार दिया मेरे मुर्शिद, दर्श बिन रहे ना पाऊं जी, दर्श बिन रहे ना पाऊं। दर्श तेरा मेरे मन को भाए, दर्श तेरा मेरे मन को भाए, तुम जाओ तो चैन न आए, प्यार तेरे में खो जाऊं इतना, प्यार तेरे मैं खो जाऊं इतना, मुझे ऐसी
लगन लगा दे ऐसा प्यार दिया मेरे सतगुरु दर्श बिन रहे ना पाऊंगी दर्श बिन रहे ना दया करो ओढ़ निभाऊं मेहर दया करो ओढ़ निभाऊं वचनों पे तेरे अमल कमाऊं मन दुश्मन के बस में न आऊं मन दुश्मन के बस में न आऊं तेरे चरणों में उम्र बिताऊं ऐसा प्यार दिया मेरे मुर्शिद दर्श बिन रहे ना पाऊं पाऊं जी दर्श बिन रहे ना धनन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी देशराज जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी धनन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा दिन रात पीते हैं प्रेम का जाम जो मस्ती में फिरते हैं झूम झूम के सुनते हैं नाम अनहद झनकार जो चल रही लहरें हैं रोम रोम के दिन रात पीते हैं प्रेम का जाम जो मस्ती में फिरते हैं झूम झूम के मजादी शराब के चाहे सौ मटके मजादी शराब के चाहे सौ मटके प्रेम की घूंट बराबर नहीं प्रेम की घूंट बराबर नहीं आबद दीवान भी ये फरमा गए प्रेम नशे में फिरे झूम झूम के दिन रात पीते हैं प्रेम का जाम जो मस्ती में फिरते हैं झूम झूम के फरमाया श्री गुरु नानक जी फरमाया अफीम शराब भंग पोस्त नशे अफीम शराब भंग पोस्त नशे सुबह का पिया नशा उतरे है शाम प्रेम का नशा पियो झूम झूम के दिन रात पीते हैं प्रेम का जाम जो मस्ती में फिरते हैं झूम झूम के
प्रभु मिलने के अनेक हरास है, प्रेम का मार्ग सीधा आसान है, प्रेम का मार्ग सीधा आसान है, जल्दी से मिलने का प्रेम ही रास्ता, जाए वो सचखंड धूम धूम के, दिन रात पीते हैं प्रेम का जाम जो, मस्ती में फिरते हैं झूम झूम के। दिन रात पीते हैं प्रेम का जाम जो, मस्ती में फिरते हैं झूम झूम के, सुनते हैं नाम अनहद जनकार जो, चल रही लहरे है रोम रोम के। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पै जे विछोड़े पामे सारे संसार तो, पविना बिछोड़ा कदे रब जे यार तो, पविना बिछोड़ा कदे रब जे यार तो, बच दी ना जिंद बिना माही दे प्यार तो, पविना बिछोड़ा कदे रब जे यार तो, पविना बिछोड़ा कदे रब जे यार तो, दिया सोने नाल लाइयां अखियां रेंदियां ने सदा नशे आईयां अखियां, रेंदियां ने सदा नशे आईयां अखियां, चढ़ गया नशा चढ़ गया नशा तेरे नैना दे खुमार चू, पविना बिछोड़ा कदे रब दे यार तो, पविना बिछोड़ा कदे रब जे यार तो, सामने बिठा के ओनू तकदी रहा, नाम योदा सहनाल जपदी रहा मैं, नाम योदा सहनाल जपदी रहा, यार रहे कोल हो, यार रहे कोल की लेना है बहार तू, पविना बिछोड़ा कदे रब ये यार तू, पविना बिछोड़ा कदे रब ये यार तो।
जिमें खुशबू दस बंद तारिया दे नाल जिमें लो दस बंद फुलां नाल जिमें खुशबू दस बंद तारिया दे नाल जिमें लो दस बंद और नस बंद साडा सुबंग साडा बिना दिलदार तो बच दिन जिंद बिना माही दे प्यार तो भावे ना बिछोड़ा कदे रब जे यार तो मुख देख के जीना सीखी मैं तेरे इश्क च नचना ते गाना सीखी मैं तेरे इश्क च नचना ते गाना सीखी मैं पाइया तेरे पीछे झांजरा मैं पाइया तेरे पीछे झांजरा मैं लेके सुन यार तो बचदी न जिंद बिना माही दे प्यार तो बचदी न जिंद बिना माही दे प्यार तो पलवीरा करी कदे वख सोने चरनी लगा के सदा रख सोने मैनू पलवी न करी कदे वख सोने चरनी लगा के सदा रख सोने जिंद कुर्बान मेरी ओ जिंद कुर्बान शासत नाम जीत तार तो बचदी न जिंद बिना माही दे प्यार तो पै जे बिछोड़ा भावे सारे संसार तो भावे ना बिछोड़ा कदे रब के यार तो भावे ना बिछोड़ा कदे रब के यार तो भावे ना बिछोड़ा कदे अभी ना भी छोड़ा कदे रब जे यार तो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिक के साजन बाजे प्यारे सत्संग जी सच्चे मुर्शिदे कामिल के पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में रखते हैं जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बंदे वो ही हैं जगत में काम के सतगुरु जो हैं दीवाने तेरे नाम के नाम जपे सुबह शाम और चीज से क्या काम एक श्वास भी हराम आवे गुरु के नाम बंदे वो ही हैं जगत में काम के सतगुरु जो हैं दीवाने तेरे नाम के सतगुर ने है तरस कमाया जठर अगन में कैसे बचाया चौरासी का सरदार बनाया बंदे वो ये जगत में काम के
हर कदर बंदे ने न जानी कौन हूँ मैं ना जात पहचानी बन बैठ पंग ने ना बने रानी बंदे वही है जगत में काम के मालिक जो है दीवाने तेरे नाम के यहाँ आकर बोला इकरार पिए शराब यार खेले शिकार चैर करन को ढूंढेगा जगत में राम के सतगुरु जो दीवाने तेरे नाम के काम करने बंदा आया तैयार परसु चमार जले बन गया चोर करे अंगार चले मोड़ की दौर बंदे कोई है जगत में काम के मालिक जो है दीवाने तेरे नाम के नाम जपे सुबह शाम और चीज से क्या काम एक श्वास भी हराम आवे गुरु के नाम बंदे कोई है जन्म मरण को मुकाने आया माया के जाल में बड़ा फसाया मन दुश्मन ने है बड़ा बनाया बंदे कोई जगत में काम के सतगुरु जो है दीवाने तेरे नाम के अब भी होश कर पूंजी संभाल दुनिया की कोई चीज जाए न नाल काल पट मुझे तुझे आता नहीं गया बंदे कोई जगत में काम के सतगुरु जो है दीवाने तेरे नाम के शब्द गुरु तू जप ले प्यारे
शाह सतनाम जी है रोज पुकारे बब सागर के जदी लगे नगिनारे बंदे बोई बंदे बोई जगत में काम के सतगुरु जो है दीवाने तेरे नाम के नाम च पीस बशाम और चीज दे क्या गाम एक श्वास भी हराम आवे गुरु के नाम बंदे बोई जगत में काम के सतगुरु जो है दीवाने तेरे नाम के दन दन सतगुरु तेरा ही आश्रय। तो अभी आपने भजन में सुना इस संसार में असली इंसान खुशियां लेने वाले परमानंद की प्राप्ति करने वाले वही हैं जिनको अपने सद्गुरु मौला से प्यार है। बिना प्यार के ये जीवन बेरस हो जाता है। दुनियावी प्यार हमेशा के लिए नहीं रहता। एक दूसरे का मतलब एक दूसरे की जरूरत जब तक कोई पूरी करता है तो यार दोस्त मित्र होता है, और जैसे जरूरत पूरी करना बंद कर दो तू कौन और मैं कौन। हां में हां मिलती है तो यारी दोस्ती है। एक दूसरे के काम आते हैं तो यारी दोस्ती है। जैसे ही मन के उल्ट कोई बात कह दो यारी दोस्ती पल में टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो सच्चा प्यार ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु रब का है जो बेगरज निस्वार्थ भावना से सब पे रहमो करम बरसाता है। मालिक तो रहमो करम बरसाता है, आगे जिसकी झोली फैली होती है वो रहमो करम उसी में आता है। जिनकी झोलियां ही नहीं जिनके दामन ही नहीं वो रहमो करम से वंचित हो जाया करते हैं। अगर आप मालिक की दया में रहमत पाना चाहते हो अपने दामन को अपने झोली को इस कदर फैलाओ कि एक बूंद भी उसके रहमो करम की इधर उधर ना जा पाए। विचारों का शुद्धिकरण करो, अपने विचारों का अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला के लिए इतना लगा दो कि दुनियादारी की ना होश रहे ना हावाश, ना कोई भौतिकतावाद में ना काम धंधे में ना काम वासना, क्रोध लो मोह अहंकार मन माया में जीव उलझे, सिर्फ और सिर्फ मालिक की तरफ ध्यान लगा दे तो ना उसे अंदर कमी रहती ना बाहर, ना घर में कमी ना कुलों में कमी और ना ही आगे पीछे कोई कमी रह सकती है। बस सदगुरु पे दृढ़ विश्वास रखे, वचनों पे अमल करे, अपने जीवन को देखो कितने बदलाव आए कितने मरहले आए कितने मोड़ आए, जिसमें आपके जीवन में क्या से क्या हो गया, आप क्या से क्या बन गए, क्या थे और क्या हो गए। जरा सोचिए अगर पहले गिरे हुए थे उठ खड़े हुए, खुशियां हासिल कर रहे हो, और अगर मन आप पे छाया है तो याद करो उन खुशियों को जो सतगुरु मौला ने आपको बख्शी है ताकि मन का मुंह तोड़ जवाब आपकी आत्मा दे सके। वरना मन हमेशा छाया रहता है भाई। तो बंदे वही हैं जगत में काम के, वाकई वही आदमी हैं, वही इंसान जिनको मालिक से सच्चा प्यार है, जो किसी बात पे डोला नहीं करते। बेपरवाजी फरमाते सारी दुनिया की दौलत सारी त्रिलोकियों की दौलत एक तरफ रख दी जाए और मालिक के सच्चे आशिक से पूछा जाए कि एक तरफ मालिक का नाम मालिक है और दूसरी तरफ सारी त्रिलोकी की दौलत है, तो मालिक से प्यार करने वाला दौलत लेना तो क्या उधर देखता तक नहीं पीट करके खड़ा हो जाता है। बाकी ऐसा सतगुरु बेपरवाजी ने जो लिखा है ऐसा प्यार अगर जीव का हो जाए तो बारे न्यारे हो जाए, फिर उसको इच्छा नहीं रहती कि मुझे कुछ चाहिए, उसे इच्छा होती है कि सतगुरु मौला चाहिए, उसका रहमो करम चाहिए, उसकी कृपा दृष्टि चाहिए, बस और सब चीजों से मुंह फेर लेता है। ऐसे जीव पे मालिक रहमो करम की बरसात मूसलाधार जरूर किया करते हैं। तो भाई अपने आप को ऐसा बनाने के लिए सुमरन करो, मन और मनमते लोगों से बच के रहो, परमार्थ करो ताकि मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरस सके। विदेशों से बात करना चाहते हैं, बोरोना इटली से वेदपाल इंसान बोलो भाई बात करो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो,
हो माता पिता तुम हो, तुम हो बंधु सखा तुम हो, जो खिल सके नाम फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम हो। सतनाम जी मस्ताना जी तुम हो, धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। पिता जी, जी मैं आपकी का बेटा वेदपाल इंसा बोल रहा हूँ, इटली से बोल रहा हूँ जी। पिता जी आप कैसे हो जी? बेपरवाह जी का रहमो करम है भाई, आप सुनाओ। पिताजी रहमत आप जी की। पिताजी आज हम बहुत खुश हैं जी, क्योंकि पिताजी आपकी दया में से आज हमने इंटरनेट पॉइंट और फोन सेंटर का उद्घाटन करवाना है आप जी से जी। जी पिताजी दया मेर करो जी और आशीर्वाद दो जी। पिताजी दृष्टि डालकर पाठ पीठ पर कर दो जी, और ताकि सभी बरकते हो जी। धन धन सतगुरु तेरा आसरा जी। जी बेटा आशीर्वाद, पूरी मेहनत कीजिए, हिम्मत कीजिए, लगन से कार्य कीजिए, बचनों पे रहिए, मालिक रहमत करे, आशीर्वाद। पिताजी आप रिबन जोड़कर उद्घाटन करो, पिताजी मुहूर्त करो जी, आप नारा लगा के रिबन जोड़ दीजिए बेटा, आशीर्वाद। दान दान सतगुरु तेरे यात्रा, जी बेटा और पिताजी नारियल भी फोड़ जी। हाँ फोड़ लो भाई। दान दान सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी दृष्टि डाल दो सारी दुकान पे। हाँ हाँ दिख रहा है बेटा, आपने रिबन जोड़ा है, नारियल तोड़ा है, सब दिख रहा है, दुकान भी दिख रही है, आशीर्वाद। मेहनत कीजिए बस। पिताजी पिताजी एक वचन में गलती होगी पिताजी, उसे माफी चाहता हूँ जी, माफ लेंगे। ये काम ना किया करो भाई, नारा लगाओ, सुमण करो लगातार, मालिक माफ करने वाले। जी पिताजी, और नारा तो लगाओ आप। रखे पिताजी दान दान सतगुरु तेरा यात्रा। जी ओ जी पिताजी, और लड्डू का प्रसाद रखा है जी पिताजी, दृष्टि डालकर प्रसाद बना दी पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे बेटा। जी पिताजी आई लव यू पिताजी। जी पिताजी आप जब अपने लटों को हाथ से ऐसे करते हो जी पीछे की तरफ, बहुत अच्छे लगते हो, बहुत दिल गदगद हो जाता पिताजी, बहुत सोने लगते हो जी। जी देवरवाजी की रहमत है बेटा। जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी सारे परिवार से दया दृष्टि बनाए रखना पिताजी, और जो दुकान की उद्घाटन किया पिताजी आप ही जी ने चलाना है जी, और आप ही करेंगे सब कुछ, हमने तो कुछ भी नहीं आता पिताजी। जी आशीर्वाद, पूरा मेहनत से लगन से काम करना बेटा, आशीर्वाद। जी पिताजी एक सेकंड पिताजी गोल्डी से बात करनी है जी। जी जी नारा लगा दान दान सतगुरु तेरे आसरा। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी हाँ जी पिताजी, मैं आपका बेटा गोल्डी इंसान बोल रहा हूँ जी। हाँ जी बोलो बेटा। पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। पिताजी 29 अप्रैल का जो आपने प्रसाद भेजा है और होली का रंग भेजा है पिताजी, हमने यहाँ पे खूब होली खेली उसके साथ पिताजी। जी और पिताजी उसने इतनी खुशियां दी, इतने कर्म काटे हमारे कि हम आपको बता नहीं सकते पिताजी, आपकी इतनी दया में रहमत रही हम पे कि बागो बाग हो गए पिताजी। बस ऐसे ही दया में रहमत लुटाते रहना पिताजी, हमें सिर्फ आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए पिताजी। जी बेटा बस बचनों पे पके रहो, सुमन करो बेटा, मालिक हमेशा खुशियां बख्शते। हाँ ये पिताजी ये होली का रंग है, इस पे दृष्टि डाल दो, ये वही वाला है जो आपने भेजा है जी।
जी जी पिता जी, और एक छोटी सी माफी लेनी थी। मैं एक जगह काम पे गया था तो वहाँ पे ना कुछ खा लिया पिताजी, तो तेल में वो पहले से ही कोई मच्छी के पकौड़े या तेल के पकौड़े बनाते थे पिताजी, मुझे पता नहीं था पिताजी। चलो नारा लगा दीजिए बेटा, आगे से ख्याल रखिए। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी हंस के दिखा दो जी थोड़ा। जी बस आई लव यू वेरी मच पिताजी, और काम पर और हमारे पूरे परिवार पर रहमत बनाए रखना पिताजी, और वेदपाल जी का काम ऐसे चले, बस आपकी दया मेर दया मेर दया मेर दया मेर ही रहती रहे पिताजी। जी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा, आई लव यू वेरी मच पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद, और बस बचनों पे रह के सेवा सिमर करें बेटा, पूरी हिम्मत करें, मालिक साथ देने वाले हैं। बाकी देश विदेश में शासक अपना काम धंधा करती हुई 517 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1076 लाइव वीडियो कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे सुन रहे हमें नजर आ रहे हैं जी। विदेशों में जो शासक बैठी है उनमें भगवंत इंसान, गुरनाम इंसान परिवार, परमजीत इंसान परिवार सरी बीसी कैनेडा, भाग इंसान परिवार गुरुदेव सिंह परिवार ये भी सरी बीसी, राम प्रकाश इंसा भंगीदास मोना वे नीतू इंसा एपसफोर्ट कैनेडा, जसविंदर इंसा परिवार चांद इंसा वे परिवार एडमिंटन कैनेडा, मीरू इंसा वे परिवार विनीपे कैनेडा, मिक्की इंसा वे परिवार अमन इंसा ब्रैम्पटन कैनेडा, और इटली से हैं परमजीत कौर वे परिवार कश्मीर कौर कश्मीर इंसा वे परिवार बरगामो, हरजिंदर इंसा वे परिवार तरवीजो, वेदपाल इंसा वे परिवार गोल्डी इंसा बरोना, अविनाश इंसा वे परिवार लोधी, रवि दत्ता लक्ष्मण इंसा, नरेंद्र इंसा लतीना, सोनम इंसा, राजीव इंसा फ्लोरेंस, प्रदीप शर्मा बरीशिया और राम सिंह श्यामलाल इंसा परिवार रोम, इटली से ये सब लोग, गुरुदेव सिंह में परिवार न्यूयॉर्क अमेरिका, नरेंद्र कुमार में परिवार अटलांटा अमेरिका, जर्मनी से हैं रमेश इंसा परिवार बर्लिन, जगतार सिंह में परिवार ऑरिच, डॉक्टर मोहित इंसा साइंटिस्ट में परिवार रोस्टॉक, अजय इंसा में परिवार मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, सीमा इंसा बृंदा इंसा संप्रीत इंसा में परिवार पलजिंदर इंसा सिडनी ऑस्ट्रेलिया, विपिन इंसा में सासंग पर्थ ऑस्ट्रेलिया, रणकौर इंसा साथ में मेरे परिवार अजमान सिटी यूएई, सूरजवान इंसा साथ में मेरे परिवार करामा सिटी यूएई, सुखदीप में परिवार गुरमेल इंसा में परिवार जगराज इंसा में परिवार स्मित शर्मा में परिवार जसवंत इंसा में परिवार मनीला फिलीपाइंस, हरप्रीत सिंह इंसा तकम सिटी फिलीपाइंस, धर्मवीर में सासंगत किरण इंसा मनु इंसा यूके, रणजीत इंसा में सात संगत न्यूजीलैंड, गुरदीप इंसा भंगीदा में परिवार भूपेंद्र इंसा परिवार दोहा कत्तर, बीरपाल कौर में परिवार ऑस्ट्रिया, मंजू इंसा में परिवार मस्कट, नरेंद्र इंसा बहरीन, कपिल इंसा स्पेन, और भारत में शास्त्रम निगल स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश, शास्त्रम निगल स्कूल और कॉलेज श्री गुरु सर मोड़िया, बाकी पूरे भारत में सात संगत देख रही सुन रही हमें नजर आ रही सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। नितिन गोयल इंसा, आशु इंसा, बियांका गोयल ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, गुरदीप सिंह इंसा कुबैत से, और निर्भय सिंह इंसा बहरीन से आए, खड़े हो जाएं, आशीर्वाद प्रसाद लेना, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, आशीर्वाद यहां भी आप हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। शास्त्राम जी गिनेस बिल्कुल प्रसाद लेने वाले तीन बहने हैं, खड़े हो जाए अपनी जगह पे, जोर से नारा लगा के बैठ जाए, इनको प्रसाद दे दीजिए खाने को। ब्लाक सुनाम पंजाब की सत्संग दो सिलाई सेंटर खोलने की आगे चाहती है जी, खड़े हो जाइए और 50 नंबर में पता कर लें और वहां फिर आप उसके अनुसार खोल सकते हैं, आशीर्वाद बैठ जाइए बेटा, अच्छा काम है आशीर्वाद। घर जाना चाहते हैं जी 7 से 60 दिन वाले सेवादार भाई बहन, 3 सेवा समिति के भाई, काफिले वाले, सड़क पर ड्यूटी देने वाले, सबको आशीर्वाद, जितनी सेवा की सेवा सिमर सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोड़ियों में डाले, घरों में मालिक खुशियां बख्शे, प्रसाद लेना खुद भी लेना, परिवारों को भी देना, सबको आशीर्वाद के ना मालिक खुशियां दे आशीर्वाद। डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए बोला है जी, तो अगर इमरजेंसी है तो जरूरी है भाई, बीमार वे बीमार के लिए प्रसाद लेकर जाना है दोनों तरफ, प्रसाद ले लीजिए और सुमन करके दवाई लीजिए, आधा घंटा नाम जपो फिर दवाई लो, कैंसर लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग ठीक होते करने वाला मालिक मानना आपने है जी। खाने पीने की किसी से अनजाने में गलती हो गई है तो बैठे बैठे नारा लगा दो, उनको मुआफ़ है जी।
तीन वचनों में पहली बार गलती हुई, पता है कि मुझसे गलती हुई, वो खड़े हो जाओ, पहली बार इधर उधर मत देखो, जल्दी से खड़े हो जाओ। तो आपको मालिक से माफी दिलवानी है, आशीर्वाद कह रहे हैं, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक जरूर माफ करेंगे, बैठ जाओ। लॉकेट गुम हुआ, जम दोबारा पिया, सेवा पर नहीं आया, अश्लीलता देखी, ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ा, सुग्रुप का निराधर किया, परमार्थ वाले पैसे खर्च किए, प्रसाद गुम हुआ, नारा लगाया पूरा नहीं किया, दर बदर हुए, नाम में दोबारा बैठे, खजाने वाला सिक्का खर्च किया, खजाने वाला सिक्का दोबारा लिया, फ्रॉड कंपनी में पैसा लगाया, नारा लगा दे माफ है, आगे से ख्याल रखें। दूसरी बार माफी लेनी, तीन महीने सिमर की नम्रता नर्मता इंसान लिखा हुआ है, वैसे नम्रता ना हो गई। चलो जो भी है, खड़े होके नारा लगाएं, लगातार सुमन करते रहे, मालिक जरूर माफ करेंगे। एक का नाम है, दो खड़े हो गए भाई। भूत प्रेत वाले जो कहते मेरे अंदर ऊपरी पराई जिन चुड़ैल भूत प्रेत है, मैनू कसर हुंदी है, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और चुपचाप खड़े रहना, बोलना नहीं। तो आपको आशीर्वाद कह रहे, खड़े रहो, अभी खड़े रहो, नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, नहीं तो भूत रह सकता। हाँ, आपके भर में भूत सब भगा दिए, कोई भूत बात आपके अंदर नहीं है, प्रसाद ले लीजिए, बीमारी वाला सुमन करके दवाई लेना, सब भूत आपके भाग गए, भूत आपके अंदर नहीं है जी। सुबह 6 से रात के 10 बजे और सर से रात जो सेवा करके मालिक से प्रार्थना मिलती, दुआ करके अलग से प्रसाद देते, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। 8 भाई बहनों ने दिन दुखियों के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया है जी, वो खड़े हो जाएं। तो जो दिन दुखी मध्य बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां हो, मालिक से दुआ करते हैं और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। नित्य दान समिति ब्लाक बठिंडा। इन नूरानी नैनों से मस्ती जो छलकी, हम अपनी होश भुला बैठे, एक घूंट ही पी थी आंखों से, सुदबुद सारी गंवा बैठे, यूं ही पिलाते रहना जाम मस्ती के, हम तो अपनी जिंदगी तेरे नाम लगा बैठे। और आशीर्वाद भाई, 5 जोड़ी आंखों के लेके आए हैं, नेत्रदानी है सुरजीत कौर, पाई रूपा, गंगा देवी इंसान, रामा मंडी, प्रवेश रानी इंसान, रामपुरा फूल, निक्का सिंह, नैया वाला, भजन कौर इंसान, महमा स्वाइक, और नेत्रदान महादान। उन परिवारों को प्रसाद भी देना, सुंदर सा कार्ड इन्होंने अपने हिसाब से बनाया, खुद के लिए प्रसाद लेना, परिवार अपने को भी प्रसाद देना, ये सेवा बहुत बड़ी है, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद शाबाश। 8 परिवार आए हैं जिनके परिवार में किसी न किसी ने चोला छोड़ा, खड़े हो जाओ। एक ने नाम नहीं लिया था, छोटा बच्चा था, अगर वो बच्चा मां के गर्भ में था, मां ने नाम जपा, तो उस बच्चे पर भी मालिक रहमो करम कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। 3 परिवारों ने जिनके चोला छोड़ा, उन्होंने आंखें दान की, आंखें दान महादान, बहुत बड़ी बात है। कई परिवारों ने जिंदु के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया फजूल खर्ची की बजाय, तो मालिक उनको भी खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। परिवारों का नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया, तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज नाम सचखंड सतलों का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खुद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक ज्योति निज नाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है, इधर ही प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है, मालिक आपको ताकत दे, हिम्मत दे, जो जख्म देता है मरहम भी जरूर देता है, सो प्रसाद लेने के बाद बैठना है। साथ संगत में अगर कोई नशा छोड़ने आया है तो 7 दिन के लिए यहां पर रुकना होगा, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सिमरन करने से गंदा नशा छूट जाता है, लेकिन ख्याल रखना परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, और जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना, ये पूरा पूरा ख्याल रखना है जी। बाकी साथ संग में प्रसाद, पेन, शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी, छोटे बच्चे को कोई लेके आए कि आशीर्वाद लेना है, तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद, सारा सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी साथ संगत सत्संग में चल के आइए, आश्रम में आइए, आप सबका पधारने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नुक शाम दिन कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना है जी, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।
धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक दो मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।